हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास31टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर आपने काफ़ी सारे चैनल क्रिएट कर रखे हैं, आप में मल्टी टैलेंट है, तो आपने अलग अलग चैनल क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कोई डांसिंग का बना रखा है आपने, कोई सॉन्ग का बना रखा है, या फिर कोई टैग का या गेमिंग का बना रखा है, तो आपने काफ़ी सारे चैनल क्रिएट कर रखे हैं। और आपको ये भी पता है कि यूट्यूब से हम जो भी कमाई करते हैं एड्स के थ्रू, वो गूगल एडसेंस अकाउंट जो होता है हमारा, उसके थ्रू ही हमारे बैंक अकाउंट में आती है। तो आपके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इतने सारे चैनल जो हमने बना रखे हैं, मल्टीपल चैनल्स को एक एडसेंस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं या नहीं। अगर हम लिंक करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास काफ़ी सारे मल्टीपल चैनल्स हैं, 3, 4, 5 चैनल हैं, और आप उनको एक एडसेंस अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं, तो क्या आप वो लिंक कर सकते हैं? और अगर लिंक करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो भी मैं सारा आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा शुरू से लेके एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो एक मेंबर का एक ही होता है। मतलब अगर आपने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप कोई दूसरा एडसेंस अकाउंट अपने नाम से क्रिएट नहीं कर सकते, वो एक मेंबर का एक ही रहेगा हमेशा। अगर आपको कोई दूसरा एडसेंस अकाउंट बनाना है, तो आपको किसी दूसरे फैमिली मेंबर के नाम से बनाना होगा, उसके डॉक्यूमेंट उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपका एडसेंस अकाउंट बनेगा। अब बात आती है यहाँ पे, अगर आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं, तो क्या आप उन्हें एक एडसेंस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, आप उन्हें एक एडसेंस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पे उसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ आपको जो लॉसेस हैं, वो यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉसेस हैं। तो अगर आप बहुत सारे आपके चैनल हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए आपके 5 चैनल हैं और आप उन्हें एक एडसेंस अकाउंट से लिंक कर देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही है कि अगर आपकी 1 महीने में $100 जो कंप्लीट करने होते हैं, थ्रेशोल्ड होता है जो अर्निंग का, उसके लिए अगर आपके 5ों में से अगर $20-$20 भी हर एक चैनल से आपके बने 1 महीने में, तो $100 सीधा आपके एडसेंस अकाउंट में आएंगे और वहाँ से वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब आपकी मंथली पेमेंट उससे आती रहेगी। तो आपका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एडसेंस अकाउंट से, एक ही एडसेंस अकाउंट से लिंक करने का। लेकिन इसका आपको नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है कि अगर आपके चैनल्स में से किसी भी एक चैनल को अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके 5 मल्टीपल चैनल्स हैं, उनमें से अगर किसी भी एक चैनल में प्रॉब्लम आती है, तो आपके बाकी चैनल भी उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो भी टर्मिनेट हो सकते हैं, वो भी उससे डिलीट हो सकते हैं यूट्यूब से, और साथ में ही आपका जो एडसेंस अकाउंट उससे लिंक है, उस पर भी आपका असर हो सकता है, वो भी डिसेबल हो सकता है। और आपको ये पता होगा कि अगर एक बार एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया, फिर आप उस यूट्यूब चैनल के लिए वही एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते हो। तो ये आपको बहुत बड़ा लॉस है, बहुत ही रिस्क की बात है कि अगर आप उसको एक ही एडसेंस अकाउंट से जोड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं, तो आप उनके लिए अलग अलग एक एडसेंस अकाउंट बनाएं, हर एक चैनल के लिए एक अलग एडसेंस बना के उसे लिंक करें। अलग अलग बनाने से आपका ये बेनिफिट होगा कि अगर आपके किसी भी एक चैनल में प्रॉब्लम आती है, तो उसका इफ़ेक्ट बाकी चैनल्स पे नहीं पड़ेगा और ना ही आपके एडसेंस अकाउंट पे पड़ेगा। जिस चैनल में प्रॉब्लम आई, वही हटेगा, उसी का एडसेंस अकाउंट डिसेबल होगा, बाकी चैनल आपके सेफ रहेंगे और उससे आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, वरना आप खुद भी इस बारे में सोच सकते हैं कि अगर आपको रिस्क ही लेना है, तो आप 5ों को एक से लिंक कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल रिस्क फ्री चलना है, तो आप 5ों के लिए अलग अलग एडसेंस अकाउंट बनाएं। अब आपके दिमाग में ये आता है कि हम अलग अलग एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी फैमिली में से, जैसे आपने एक एडसेंस अकाउंट अपने नाम से बना लिया, दूसरा आपके फादर मदर या सिस्टर, जो भी भाई बहन हैं, आप उनके नाम से एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं उनके डॉक्यूमेंट यूज़ करके। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप एक एडसेंस अकाउंट को
मल्टीपल चैनल से लिंक कर सकते हैं या नहीं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन रह गया है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।